हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और हमारे पास में एक मोबाइल है MI 8A जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब इसका MI अकाउंट है ऑफलाइन किस तरीके से तोड़ेंगे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर पूरा बताएंगे, पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट बैच है 20 दिसंबर की सीटों की बुकिंग चल रही है, आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर EMMC की प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको हम स्विच ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर स्विच ऑफ करने के लिए हम यहाँ की बैटरी निकाल देते हैं। तो फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो इसका ईडीएल टेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। जो हमारा ईडीएल टेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। और इनके ईडीएल टेस्ट पॉइंट आपको नहीं मिल पाते हैं तो ये आप गूगल से निकाल लेते हैं। तो ये बताता हूँ मैं आपको गूगल से किस तरीके से निकालना है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ यहाँ पर कि गूगल से किस तरीके से आप इसके टेस्टिंग पॉइंटों को यहाँ पर निकालेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पाने के बाद जो है आपको यहाँ पे गूगल खोलना है। और गूगल खोलेंगे हमारा को यहाँ पे लिखना है MI 8A EDL टेस्ट पॉइंट। इमेज में जाएंगे, इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो हमारा ये पेज है इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है ये दो कनेक्टर हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए पहले कि यहाँ पे इस तरीके से ये दो पॉइंट है। और हमें जो यहाँ पे भी देखना है जो हमारा PCB है, यहाँ पे देखना है कि हमारा जो यहाँ पे दो पॉइंट है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे चार में से दो नीचे वाले जो है हमारे EDL टेस्ट पॉइंट हैं, ठीक है, नीचे वाले। अब इनको हम क्वालकॉम मोड में ले जाके इसको कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो है फ्लैश करेंगे। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे अपना UMT को ओपन करेंगे और जो हमारा ब्रांड है उसको सेलेक्ट करेंगे 8A। अब 8A सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो कि हमें MI अकाउंट हटाना है तो इसमें रीसेट MI अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे और हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में फ़ोन आपको जो है EDL मोड में कनेक्ट करना है, वो इस पर हाथ रखना। और जो भाई आना चाहते हैं रिपेयरिंग के लिए तो वो हमारा इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट करेंगे EDL मोड में। तो हमारा फ़ोन जैसे ही कनेक्ट होगा हमारा प्रोसेस स्टार्टिंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बाहर से आने वाले छात्र हैं उनसे पहले अपना रूम PG को बुक करा दें। अब यहाँ पर मैसेज डिटेक्टिंग चिप टाइप, ओके चिप इसने डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, इसको आने दें। अब उसके बाद में रिसेट MI अकाउंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पूरा प्रोसेस जो है चल रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा MI अकाउंट रिसेट डन, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा हो चुका है फिनिश। तो यहाँ पे फ़ोन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ऑन होगा। अब ऑन होने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो भी प्रोसेस आएगा वो आपको यहाँ पे करना है। यदि यह काम करते हैं आप तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और यहाँ पे वेट करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें जिससे कि इसमें हैंग ऑन लोगो होता है या कोई प्रॉब्लम होती है उसे भी समझाएंगे यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पूरा प्रैक्टिकली तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है बूट पे है अभी एंड्रॉयड, ठीक है। इसके बाद में अभी आगे का प्रोसेस है वो पूरा भी यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से MI 8 का आप पिन पैटर्न FRP हटा सकते हैं। और आप EMMC या लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर आईफोन इनकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
और बहुत कम फीस में लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं पूरा यहाँ पे। आप और भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे कि हम पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। और सीखने का मतलब है कि आपको अपने हाथ से प्रैक्टिकल करने चाहिए तभी आपकी समझ में आएगा, जैसा कि आप हमारे वीडियो में और जो अपलोड है पीछे को उनमें देख सकते हैं। तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में छात्र होते हैं स्टूडेंट, वो अपने हाथ से खुद प्रैक्टिकल करते हैं। अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग में है पूरा, इसको आगे चलने देंगे, चलने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बूट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हम वीडियो स्किप कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करनी, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या मैसेज यहाँ पे मिला और क्या हुआ आगे। तो वीडियो एडिटिंग नहीं करते, पूरा जो भी हमारे वीडियो मिलेंगे आपको जेन्युइन ही मिलेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो अभी प्रोसेस चल रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे कि हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, जो भी प्रोसेस है आपको यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है। ये सब आपको आता ही है, और जो ऑनलाइन बताते हैं इसमें UMT में सपोर्ट आ चुके हैं, आप उन्हें ऑफलाइन कर सकते हैं। जो भी इसमें सपोर्ट है उसका ऑफलाइन होगा, तो ऑनलाइन के चक्कर में फालतू के पैसे खर्च ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है फोन तो MI अकाउंट हट चुका है, लेकिन इसमें जो है FRP हमारा इसमें लगा है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों पे मार्क लगाएंगे आप, तो MI अकाउंट है जो भी FRP हटाना चाहते हैं इस तरीके से हटा सकते हैं। दोनों पे मार्क लगाने के बाद यहाँ पे जो है आगे के प्रोसेस करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि FRP हमारा है या नहीं, क्योंकि अभी MI अकाउंट जो यहाँ से रिमूव हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा फ़ोन जो है पूरा कंप्लीट जो है हो चुका है। तो देखिए हमारा जो भी वीडियो है उसमें एडिटिंग नहीं डालते, जो भी चीज़ मिलेगी आपको सीखने के लिए जेन्युइन ही मिलेगा। वीडियो लंबे हैं लेकिन आपको ये जो है जानकारी देंगे। देखिए हमारा MI अकाउंट यहाँ से रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छे से। तो इस तरीके से आप MI अकाउंट को रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आपको ठीक लगता है।